जो ये इम्पॉर्टेंट पोस्ट और इम्पॉर्टेंट ऑफिस की सेकंड वीडियो है, यानी इज़ अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे, कल हमने 20 इम्पॉर्टेंट पोस्ट और उनके पदाधिकारी के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे बाकी के करीब 32 पदाधिकारियों के बारे में। विल स्टार्ट विद द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। भारत के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है यशवर्धन सिन्हा। तो हमारे देश के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का नाम है यशवर्धन सिन्हा। दूसरे हैं चेयरमैन नेशनल वीमेंस कमीशन। नेशनल वीमेंस कमीशन राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन है रेखा शर्मा जी। फिर है चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि पॉपुलरली कहा जाता है यूपीएससी, इसके चेयरमैन है मनोज सोनी जी। फिर आते हैं चेयरमैन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी जी। फिर चेयरमैन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के चेयरमैन है डॉक्टर एस सोमनाथन। कुछ दिन पहले के शिवान साहब थे चेयरमैन, और उनके हटने के बाद अब डॉक्टर एस सोमनाथ साहब इसरो के नए चेयरमैन बने। फिर आते हैं चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरमैन हैं, इनका नाम है जस्टिस अरुण मिश्रा। एक इनकी पोस्टिंग की खास बात यह है कि अभी तक जितने भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बनते थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना करते थे, पर पहली बार ऐसा हुआ। हालांकि ये भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, पर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे। तो जस्टिस अरुण मिश्रा साहब जो थे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के प्रेजेंट के चीफ चेयरमैन हैं। और उसके बाद है सेंसस कमिश्नर। सेंसस कमिश्नर है विवेक जोशी साहब। भारत सेंसस कमिश्नर आपने सुना होगा जनगणना, तो देश में जनगणना जो आगे होने वाली है उसकी जो जिम्मेदारी है इनके ही कंधों पे है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि नौसेना अध्यक्ष, भारत के नए नौसेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे जी। इससे पहले मनोज मुकुंद नरवणे साहब थे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उनके जाने के बाद अब नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं जनरल मनोज पांडे। फिर है चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी एयरफोर्स वायुसेना अध्यक्ष नए बने हैं विवेक राम चौधरी साहब। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं यानी कि थल वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी या एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। फिर है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेवी के जो सबसे बड़े चीफ है, मैंने सबसे बड़े हेड हैं नौसेना अध्यक्ष, इनका नाम है आर हरी कुमार। इनकी जो पोस्ट है एडमिरल, तो इनके नाम के आगे हम लगाएंगे एडमिरल आर हरी कुमार। फिर आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको गवर्नर कहते हैं, और इस समय के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शशिकांत दास, और इनका नंबर है 25वां। ये एक आईएएस अफसर है। उसके बाद आता है वाइस चेयरमैन नीति आयोग, जो कि क्लियर नहीं है इसमें। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, इनका नाम है सुमन बेरी साहब, ये अभी जल्दी बने हैं। तो और इसके अलावा नीति आयोग का एक सीईओ भी होता है, वो है अमिताभ कांत जी नीति आयोग के चेयरमैन हैं। नीति आयोग ने 2017 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया और उसकी जगह नीति आयोग आया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कि जो कि पंचवर्षीय योजना, इसका भी मेन लक्ष्य है देश के लिए योजनाएं बनाना, लेकिन इसका जो तरीका है और मोडस अपरेंडी यानी काम करने का तरीका, और इनके जो काम करने के तरीके, इनके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से अलग हैं, ये ज़्यादा वाइडर है। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि इम्पॉर्टेंट पोस्ट में कौन कौन पदाधिकारी हैं, इसके बारे में अभी हम